फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कद्दू का मीठा। हिमाचली धाम में बनता है जो, तो ये जो है धाम वाले स्टाइल में बना रही हूँ मैं। जैसे यहाँ पे बोटी बनाते हैं, तो मैंने यहाँ पे ये पका हुआ कद्दू ले लिया है। इसको काट लिया छोटे छोटे पीसों में। इसको मैं कढ़ाई में डाल दूँगी और यहाँ पे इसमें मैं दही ऐड कर रही हूँ। आधा कटोरी दही ली है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे कद्दू में। ये देखिए अच्छे से दही मिक्स हो गया है। अब हम इसको जो है एक घंटे तक ऐसे ही छोड़ देंगे। और यहाँ पर मैंने जो है कद्दू बनाने के लिए ये वाली दो कटोरियाँ ली हुई है चीनी की, थोड़े से ड्राई फ्रूट है और थोड़ा सा देसी घी। देखिए गाइस, एक घंटा हो चुका है और ये दही जो है अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है कद्दू में। अब हम इसको गैस पे रखेंगे, इसको अच्छे से भून लेंगे। ये जो दही है इसको अच्छे से सुखा लेना है हमने गैस पे रख के। इसको हमने दही को जो है अच्छे से सुखा लेना है। ये जो हमने इसमें पहले से दही ऐड किया है, इससे जो है ये कद्दू जो है वो ज़्यादा गलता नहीं है और कद्दू जो है मीठा जो है इसका बहुत ही टेस्टी बनता है। ये जो अभी दही का पानी बचा हुआ है इसको हम अच्छे से सुखा लेंगे। ये देखिए ये अच्छे से सूख गया है। अब यहाँ पे ऐड करेंगे हम घी और 3 से 4 मिनट तक इसको भून लेंगे अच्छे से घी में। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी 2 कटोरी। इसको इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें यहाँ पे हमने पानी ऐड नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि चीनी अपने आप पानी छोड़ती है। और यहाँ पे हम नींबू भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि पहले इसमें दही ऐड कर लिया हमने। ये देखिए चीनी कितने पानी छोड़ दी है इसने, अब मेल्ट हो रही है ये। यहाँ पे हम थोड़ी ही देर पकाएंगे जब तक ये चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी ना हो जाए। और यहाँ पे मैं चुटकी भर कर रही हूँ ऐड फूड कलर। आप इसकी जगह हल्दी भी ऐड कर सकते हैं, कलर ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हैं, नहीं चाहो तो कोई ज़रूरी नहीं है। ये देखिए गाइस, कद्दू और जो चीनी है उसने कितना पानी छोड़ दिया है। अब हम इसको जो है सुखा लेंगे जब तक हमारी चाशनी गाढ़ी ना हो जाए। गाइस, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर 5 से 6 मिनट लग जाएंगे इसको तैयार होने में भी। देखिए गाइस, हमारे मीठे का बहुत ही प्यारा कलर आया है। और यहाँ पे अब हम गैस बंद कर देंगे और इसके साथ ही यहाँ पे डालेंगे हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। इसको आप गर्मा गर्म चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं।